हमेशा स्वस्थ रहने के घरेलू उपाय जरूर सुने। अगर आपके मुंह में छाले हो गए हों तो अड़ूसा के पत्तों का रस छालों पर लेप करना चाहिए, छाले ठीक हो जाएंगे। अगर आपका सर दर्द करता हो तो हरी धनिया पीस कर उसका लेप लगाने से आराम मिलता है। अगर आपकी कमर में दर्द रहता हो तो दर्द वाली जगह पर पहले गर्म सेक तथा बाद में ठंडा सेक करने से आराम मिलता है। अगर आप मिर्गी के रोग से परेशान हो तो लहसुन की कलियों को दूध के साथ उबालकर पीने से मिर्गी रोग में फ़ायदा मिलता है। अगर आपके शरीर में सफ़ेद दाग हो तो पानी में भीगी हुई उड़द की दाल पीस कर लगाएं, दाग ठीक हो जाएंगे। अगर आपके शरीर में गैस की समस्या हो तो मट्ठा, हींग, गुड़ आदि का सेवन करने से बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आपके पेट में पथरी हो तो कुथली का काढ़ा बनाकर कुछ दिन तक पीने से पथरी गायब हो जाती है। अगर आपकी आँखों में दर्द रहता हो तो हरी धूप पीसकर उसका रस आँखों के ऊपर लेप करने से आँखों का दर्द ठीक हो जाता है। अगर आप दस्त रोग से पीड़ित हैं तो आपको मट्ठी का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हों तो मोर के पंख को जलाकर उसकी राख गुड़ के साथ मिलाकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अगर आपके कंधे में दर्द रहता हो तो भूलकर भी मांस मछली व अन्य मांसाहारी चीज़ों का सेवन ना करें। अगर आपकी गर्दन का दर्द ठीक ना हो रहा हो तो गर्दन पर सरसों या तिल के तेल से मालिश करें। अगर आपके दांतों में पायरिया हो गया हो तो कुछ दिन तक गाजर, नींबू व संतरा आदि का रस का सेवन करें। अगर आपको माइग्रेन की शिकायत हो तो नींबू का छिलका पीस कर उसका लेप माथे पर लगाने से ठीक हो जाता है। अगर आपके शरीर में दाद हो गए हों तो नौसादर को नींबू के रस में पीस कर लगाने से दाद ठीक हो जाते हैं। जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर।